राजनीति बनी दलदल, कहीं दोस्त बने दुश्मन, तो कहीं शिष्य ने गुरु के खिलाफ बगावत कर दी है। बुलंदी देर तक किसी शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। ये लाइन आजकल राजनीति में हर कदम पर फिट बैठती है। सियासत में भी कुछ स्थायी नहीं है, इसी वजह से राजनीति करने वाले दोस्तों में भी दुश्मनी हो गई है। यही वजह है कि गुरु शिष्य मैदान में उतर गए हैं। घटनाओं का जिक्र कर ललकारते हैं, कहीं दोस्त पर धोखा देने का आरोप लगा तो कहीं खुद पर ही नाइंसाफी गिना रहे हैं। कई जगह चुनावी जंग में रास्ते अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। इन सीटों पर मुकाबला इसलिए रोचक है क्योंकि एक दूसरे की चाल को समझते हैं। दोनों के बीच ही शय और मात भी खेला जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भी कुछ ऐसी ही कहानियां आ रही हैं। तो आइए पहले चलते हैं लखनऊ के मोहनलालगंज में। सीट पर रोचक मुकाबला हो गया है। यहां 2017 में सपा का खाता खोलने वाले विधायक अमरीश पुष्कर ने दो दिन पहले ही सपा के चिन्ह पर नामांकन किया। अगले दिन उनका टिकट काट कर पूर्व सांसद सुशीला सरोज को मैदान में उतार दिया गया। ऐसे में विधायक पुष्कर ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का भी फैसला किया है। यही नहीं, अमरीश पुष्कर को राजनीति में लाने का श्रेय सुशीला सरोज को जाता है। दोनों साथ साथ विभिन्न कार्यक्रम में देखे जाते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में टिकट की लड़ाई में दोनों को हुई सियासी दुश्मन बना दिया गया। अब आइए जरा गौर फरमाते हैं प्रतापगढ़ पर। विधानसभा क्षेत्र में अभी नामांकन नहीं हुए हैं, लेकिन यहाँ गुरु और शिष्य आमने सामने हो गए हैं। जनसत्ता लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष रघुनाथ प्रताप सिंह तो दूसरी तरफ सपा के नए चेहरे गुलशन यादव ने राजनीतिक जंग शुरू कर दी है। जनसभाओं में गुलशन यादव राजा भैया के खिलाफ आग उगल रहे हैं। खुद के साथ हुए अन्याय की दुखाई देकर वोट मांग रहे हैं। यहाँ का मुकाबला बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि दोनों ही नेता एक दूसरे की चाल को बाखूबी जानते हैं। अब अगर बात करें फिरोजाबाद की, तो सीट सपा के मैदान में उतरे फैजुर रहमान विधायक आजम भाई की दोस्ती में दुश्मनी आ गई है। आजम की पत्नी साजिया हसन भाजपा से टिकट लेकर मैदान में है। सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष पूर्व विधायक आजम भाई अब पत्नी के लिए वोट मांग रहे हैं। अभी तक दोनों जिगरी दोस्त सियासत में सक्रिय थे। हमेशा साथ दिखने वाले नेता अब जनसंपर्क के दौरान एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलते नजर आ रहे हैं। अब आइए जरा नजर डालते हैं कन्नौज पर। विधानसभा तिरवा सीट पर भाजपा ने विधायक कैलाश राजपूत को मैदान में उतार दिया है। इनके सामने भाजपा के अजय वर्मा ने टाल ठोक दी है। 2007 में कैलाश और अजय साथ साथ भाजपा में थे। अजय ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं। तो ऐसी कुछ कहानियां हैं उत्तर प्रदेश के राजनीतिक माहौल की। वहां कुछ भी संभव लगता है। कहीं दो दोस्त दुश्मन बन बैठे हैं, तो कहीं शिष्य ने गुरु के खिलाफ ताल ठोक दी है। कुमार गौरव, लखनऊ।